हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ढाक से क्लासेस। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि दोस्तों ये सब अपने प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पर अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, एक प्रदीप्ति युक्ति की दक्षता का मात्रक होता है। तो जो अपने प्रदीप्ति होती है उसकी जो दक्षता होती है साथियों, उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों, ल्यूमन प्रति वाट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक गुलाम आवेश बराबर क्या होता है, या फिर इसको साथियों जो एक गुलाम आवेश पूछा है इन्होंने, या फिर इसको बोलते हैं अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत की मात्रा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि Q बराबर क्या होता है साथियों, I इंटू के T होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जो क्या एक विद्युत धारा जो होती है अपना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी यह मात्रा कहलाती है, जिसे क्या बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई क्या होती, एम्पियर होती है, तथा जो टी है मतलब कि टाइम काय में होता है साथियों, सेकंड में होता है। तो वन कूलाम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन एम्पियर इंटू के वन सेकंड आ जाएगा, या फिर इसे एम्पियर सेकंड बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है साथियों क्या आ जाएगा, एक एम्पियर इंटू के वन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ये सब आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा साथियों, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन के टी होता है। क्यू क्या है इसमें, कुलाम। कुलाम क्यू क्या साथियों, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। सर टी क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये बराबर क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर हो जाएगा, मतलब कुलाम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर होता है, यह भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि 11 केवी लाइन के अंतिम खंभे पर प्रयुक्त होने वाला जो इंसुलेटर होता है वह कौन सा होता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो 11 केवी लाइन रहती है, 11 केवी लाइन जो जाती है, तो उसमें साथियों आपने देखा होगा डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो 11 केवी में जो डिस्क की संख्या कितनी होती है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें जो डिस्क की संख्या होती है एक होती है। सपोज ये 11 केवी के लिए, ठीक है, अगर सपोज 33 केवी है तो उसमें जो डिस्क की संख्या कितनी होती साथियों, तीन होती, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा साथियों डिस्क आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि निम्न में से कौन सा एक ओम के नियम अनुसार सही नहीं है। तो जो अपने ओम वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, अपने साइंटिस्ट थे साथियों, उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब कि करंट वह क्या होता है, वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस मतलब कि आई मतलब कि रेजिस्टेंस यानी आर होता है साथियों, तो आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस के क्या होती है, धारा विद्युत क्रमानुपाती होती है। अगर आई मतलब अपना जो आई साथियों अगर बढ़ेगा तो जो अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये विद्युत क्रमानुपाती है इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आई जब बढ़ता है तो वोल्टेज जो होता है अपना दोस्तों, यहाँ पे सॉरी वोल्टेज आ जाएगा, है ना, गलती से ही लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि जो धारा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो आई मतलब करंट बढ़ेगा, तो वी मतलब वोल्टेज भी बढ़ेगा इसमें, जब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना कि निम्न में से कौन सा एक ओम के नियम अनुसार सही नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ओम का नियम मैंने बता दिया आपको, तो क्या क्या होता है इसमें, देखिए आई बराबर क्या होता है, वी अपन आर होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो वी आई क्या हो जाए, आई प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर वी अपन आर होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/r होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो P प्रोपोर्शनल वी आई होता है दोस्तों, ये काय में होता है, पावर में होता है। तो यह इसके कारण इसका जो आंसर है साथियों यह नहीं आएगा, है ना, मतलब इसका आंसर यहाँ पे यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है, एक अल्टरनेटर के शून्य लोड पर मतलब कि नो लोड पर वोल्टता 100 वोल्ट है, वह पूर्ण लोड पर 60 वोल्ट रह जाए। तो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि अपना जो वोल्टेज नियामक जो लिखा हुआ है साथियों, इसका मान कितना आएगा आपको उसे इसे निकाल के बताना। तो इसका एक फार्मूला होता है साथियों, बहुत अच्छा फार्मूला है, उसको आपको हमेशा याद रखना साथियों। चलिए ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, वी आर मतलब क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, वी एन एल मतलब होता है साथियों नो लोड माइनस के, वी एफ एल मतलब कि फुल लोड अपॉन के, वी एफ एल मतलब होता है फुल लोड इनटू क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूले में इसका मान हम पुट कर देते हैं, तो वी एन एल मतलब कि नो लोड कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो 100 इसमें आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है ना, फुल लोड अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इनटू के यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 100 में से 60 को माइनस करिएगा तो आपका आएगा 40 मतलब कि 40 इंटू यहाँ पे क्या 100, तो इसके 20 यहाँ लगा दीजिए अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, एक जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो 6636 होता है साथियों, क्योंकि 6636 6 पहले तो 6 ही बार जा पाएगा, 7 बार नहीं जा पाएगा। यहाँ पे फिर अपना क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा मतलब 40, 6 6 36, फिर 4 बचा मतलब कि 66.66% इसका क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, 66.66%। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 730 के ओम प्लस माइनस 3% प्रतिरोध का रंग निर्धारण क्या होगा। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, तो इसके लिए मैंने कई बार इसी चैनल पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, जिसके माध्यम से आप किसी के भी कलर कोड का कितना मान होता है तथा उसका टॉलरेंस क्या होता है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए साथियों फिर से आज एक क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है, तो फिर से थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको देखिए दोस्तों, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, क्या होती है साथियों इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये अपने 9 कलर होते हैं। इसके बाद में साथियों फिर और 2 कलर और एक होता है नहीं कलर मतलब नो कलर, तो एक होता है साथियों गोल्डन सिल्वर और एक होता है नो कलर। ठीक है, नो कलर मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता। तो साथियों इनका क्या होता है, टॉलरेंस होता है, तो जो गोल्डन होता है उसका टॉलरेंस होता है साथियों कितना होता है, प्लस माइनस 5% होता है। जो सिल्वर होता है उसका प्लस माइनस 10% होता है, तथा जो नो कलर होता है उसका प्लस माइनस 20% होता है। साथियों एग्जाम की दृष्टि से आपको यह सब याद रखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अपना जो बीबी रॉय था इसमें कलर कोडिंग का देख देते हैं। तो यह साथियों जो पहली रो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो सेकेंड रो होती है वो भी 0 से स्टार्ट होती है साथियों, इसमें कुल मिला के 4 रो होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन है साथियों अपना क्या बोलना चाह रहा, देखिए 7 3 मतलब कि 7 नंबर पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 7वें नंबर पे जो क्या साथियों, इसको देखिए मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। ठीक है, ये पूरे कलर के नेम होगा। ठीक है, अब देखिए वी पे कौन है यहाँ पे अपना, वी भैया क्या है अपने वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैगनी, तो चलिए आप यहाँ पे बैगनी लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद तो अपना था 3 पे कौन है, ये अपने विराजमान कौन है, ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी होता है आपको पता होगा, तो नारंगी यहाँ पे लिख देते। आगे देखिए 0 और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, के दिया हुआ है, तो 0 का 10 और के 30 मतलब कि साथियों 10^4 की घात हो जाएगी, इतने तो आपको पता है। ठीक है, तो देखिए 4थे नंबर पे कौन विराजमान है यहाँ पे, अपने येलो मतलब कि पीले कलर वाले भैया विराजमान है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, पीला आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, प्लस माइनस कितना दिया है, 3% टॉलरेंस दिया हुआ है, तो वह क्या आ जाएगा दोस्तों। तीसरे नंबर पे कौन है अपना यहाँ पे, नारंगी मतलब ये फिर से विराजमान है यहाँ पे, तीसरे नंबर पे ऑरेंज भैया, ठीक है, तो उसका आ जाएगा नारंगी। तो इसका जो आंसर है साथियों इस टाइप से इसका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, देखिए इसका आंसर आपको दिखाना चाहूँगा मैं, बैगनी नारंगी पीला नारंगी, यही आंसर अभी अपना निकला था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 5 वोल्ट की उल्टता पर एक 2.15 फैराड वाले संधारित्र द्वारा ग्रहण किए गए आवेश का मान क्या होगा।
तो साथियों इन्होंने हमें क्यों पूछा है, क्यों मतलब क्या होता है, आवेश जिसकी इकाई क्या होती है, गुलाम होती, तो क्यों बराबर क्या होता है दोस्तों, सी इंटू के वी होता है। साथियों आपको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा होगा, सी मतलब होता है कैपेसिटर जिसकी इकाई क्या होती है फेरेड, तो वन फेरेड इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, वन कुलाम अपान के वन वोल्ट होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कई बार आता है और पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए अभी तो अपना क्वेश्चन कुछ और ही है, हमें क्या निकालना, आवेश निकालना है, ठीक है। आवेश मतलब कि Q बराबर क्या था अपना, सी वी था ना, सी वी था। तो देखिए यहाँ पे C मतलब कि कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर हो कितना दिया है 2.15 फैराड दिया हुआ है, इन टू कितना आ जाएगा साथियों, इसमें आगे देखिए V वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका मल्टीपल करिए साथियों, तो आपका जो इसका मल्टीपल करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.75 कूलम, इसका आंसर आ जाएगा आराम से, इतना ही आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार मानक 3 फेज वोल्टता का मान क्या होता है। तो साथियों आप सबको पता है कि अपने इंडिया में 3 फेज सप्लाई होती है, क्या क्या होती है, आर वाई बी और एक होता है साथ में न्यूट्रल वाले भैया, ठीक है। तो आर मतलब होता है रेड येलो, ये देखिए आर रेड वाई येलो और एक होता है ब्लू, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन है कि आर वाई मतलब इन दोनों के बीच में अगर सपोज उन्होंने वोल्टमीटर से वोल्ट को मेज़र किया तो आई नियम के अनुसार जो वोल्टेज है मानक वोल्टेज कितना दर्शाएगा, तो वो दर्शाएगा 415 वोल्ट दर्शाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 415 वोल्ट आ जाएगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल का मान होता है। साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, जो कि साथियों डीआरडीओ में आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छे से पूछता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा साथियों 0.7 वोल्ट आ जाएगा, जो क्या होता है अपना सिलिकॉन मतलब कि SI जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों 14 होता है, आपको याद रखना है इसकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसका पे बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। साथ में यहाँ पे 0.3 वोल्ट भी दिया हुआ है, तो साथियों यह भी किसी ना किसी का होता है, तो किसका होता है, जो कि अपना साथियों जी क्या होता है जर्मेनियम, जिसका क्या होता है परमाणु क्रमांक 32 होता है, जिसका कितना होता है बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.3 वोल्ट होता है, जो कि दोस्तों ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये अपने शुद्ध चालक मतलब शुद्ध अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा तथा इसमें डोपिंग मिला के अपने एन टाइप तथा पी प्रकार के जो अपने त्रिसंयोजी पंचसंयोजी होते हैं, ठीक है, मतलब पदार्थ करके बनाते साथियों, है ना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो आदर्श आइडियल कंडीशन में जो वोल्टमीटर होता है, तो उसका जब आइडियल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह अनंत होना चाहिए, यह क्वेश्चन का आंसर है। सपोज अगर आपको अमीटर का पूछता है, अमीटर आइडियल कंडीशन में जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा साथियों, शून्य होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो प्रतिरोधक R1 व R2 श्रेणी में जोड़ने पर 4.5 व समांतर में जोड़ने पर 1 ओम प्रतिरोध देते हो, तो उनका जो मान है कितना होगा। तो साथियों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इनका जो आंसर है उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए उनसे भी करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखते कौन सा आंसर आ रहा है, तो ठीक है हम इसको उठा कर देखते हैं साथियों। देखिए हम क्या करते हैं, जब समांतर क्रम में हो तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जब दो ही ओनली अपने क्या दिया हो मतलब वैल्यू दी हो, तो ए इन टू के बी आ जाएगा, ठीक है, तथा ए प्लस बी होता है, ठीक है। देखिए उन्होंने बोला है कि श्रेणी में जोड़ने पे कितना होना चाहिए 4.5 ओम होना चाहिए, तो समांतर में जोड़ने पे क्या होना चाहिए 1 ओम होना चाहिए, तो 1.5 और 3 को जोड़ो 4.5 हो रहा है। अब इसको हम समांतर में करके देखते हैं तो 1 ओम आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1.5 इंटू के 3 अपॉन कितना हो जाएगा अपना 1.5 प्लस के 3 कितना होता है 4.5 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका आप इसमें गुना कर दिएगा तो 4.5 हो ही जाएगा ना, आपको पता है ये 4.5 है, तब इसको आप काट दीजिए तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सेमीकंडक्टर होता है साथियों,
कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा मतलब अपना क्वेश्चन है, जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक, उसकी भी बाहरी कक्षा मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा जो अपना दोस्तों कुचालक, कुचालक मीन्स इंसुलेटर होता है, उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तथा जो अपना जो चालक होता है उसकी कक्षा में कितने होते हैं, 1, 2, 3 के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 से 2 मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि टार्च में सेलों को सीरीज में लगाया जाता है तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं, बताइए ना इसे। तो वो बोलना चाह रहा है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। मतलब कि टार्च में सेलों को सीरीज में लगाया जाता है, ऐसा करने से जो अपना बढ़ता है वोल्टेज में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होगा, VT बराबर V1+K V2, मतलब कि ड्राई सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का, अगर एक है सपोज़ वो 4 जुड़े हुए तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस 1.5, ये सब जुड़ के इसका जो टोटल आएगा, जो VT होगा उनका टोटल बराबर इसके मतलब इसके बराबर रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा, निम्न में से कौन सी एक अस्थाई वायरिंग है। तो इसमें जो एक क्लिट वायरिंग है साथियों, यह क्या हो जाएगा, अस्थाई, क्योंकि अभी ऑप्शन दिया है बस बार और जो कंड्यूट की, तो क्या होता है, परमानेंट वायरिंग होती है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि AC करंट व वोल्टेज के फॉर्म फैक्टर का मान होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म फैक्टर होता है वह किस किस का अनुपात होता है। तो ये दोस्तों प्रभावी मान मतलब कि RMS मतलब कि रूट मैन स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू मतलब कि औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि इनका जो मान होता है कितना कितना होता है। जो RMS वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.707 या साथियों 0.8, ठीक है। तथा जो एवरेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.637 मतलब कि 637, ठीक है, 0.637, ठीक है। जब आप इसका इसमें भाग दे देंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा साथियों कितना आएगा, 1.11 इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 1 pF बराबर होता है। तो दोस्तों 1 pF बराबर क्या होता है, 10^-12 की घात होती है, और 1 μF बराबर क्या होता है, 10^-6 की घात होता है। 1 mS बराबर कितना होता है दोस्तों, 10^-3 की घात। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ऐसा आपको याद रखना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक दो पोल का अल्टरनेटर 1200 RPM पर कितनी फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करेगा। तो फ्रिक्वेंसी कितनी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का नाम लिया भैया ने यहाँ पे, तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो अपनी फ्रिक्वेंसी होती है इंडिया की कितनी होती है, 50 Hz होती है, जिसका टॉलरेंस कितना होता है, ±3% होता है। और जो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है साथियों, F बराबर क्या होता है, PN/1K 120 होता है, ठीक है। अगर सपोज हम पोलों की संख्या को कम अधिक करेंगे तो उससे अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वह भी परिवर्तित होगी। सपोज हम स्पीड को भी कम या अधिक करते तो उससे भी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह इसके प्रोपोर्शनल में समानुपाती है। तो क्वेश्चन था अपना कि 2 पोल है 1200 RPM, ठीक है, तो अपनी जो फ्रिक्वेंसी होगी कितनी होगी, देखिए 2 पोल है × 1200 RPM कर दो, ठीक है, 120 कर दो, ये 120 से 120 कट जाएगा, यहाँ पे कितना, 10 बचा, और दो का इसमें गुना हो जाएगा 10 में, तो 2 × 2 कितना होता है साथियों, 20 होता है ना, ये देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 20 Hz इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रथम अंगुली क्या प्रदर्शित करती है। बात किसकी की है, बाएं हाथ की है, और किसका हाथ है, लड़की का हाथ नहीं, ये फ्लेमिंग का हाथ है ना, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, जो अपने फ्लेमिंग भैया थे उन्होंने 2 गुल दिए थे अपने दोनों हाथों के, कौन सा होता है, एक लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। तो जो अपना लेफ्ट हैंड है साथियों उस पर क्या करती है, जो अपनी मोटर होती है वो कार्य करती है, मोटर वैसे चुंबकीय खिंचाव बल मतलब, लेकिन जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। तथा जो जनरेटर होता है, जनित्र होता है, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, फ्लेमिंग के राइट हैंड के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बोल रहा है, जब लेफ्ट हैंड लिया है उसने, तो जो अपनी प्रथम उंगली है
वह क्या दर्शाती है यह पूछना चाह रहा है मेन वह। तो ठीक है, तो वह क्या बताती है हमें, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेल्टा डेल्टा संयोजन की अपेक्षा वी वी संयोजन में टर्नों की संख्या रखी जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, इसका 58% इसका जो आंसर है वह आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दी जाए तो निम्न में से कौन से लॉस सबसे अधिक होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है अपना ईडी करंट लॉस आ रहा है। ठीक है, अब जानते क्यों ईडी करंट लॉस ही बोल रहा है यार, ये आंसर क्यों ईडी करंट लॉस आ रहा है। तो देखिए ईडी करंट लॉस में क्या होता है, देखिए डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है तथा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनटू जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनटू जो अपनी थिकनेस होती है उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये सब काय में होता है, वाट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा, फ्रीक्वेंसी सपोज पहले 50 थी, उसने दुगनी करके 100 कर दिया। ठीक है, तो कौन सा लॉस अधिक होगा। तो साथियों जब फ्रीक्वेंसी को दुगनी कर दिया तो उसमें क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्क्वायर के अनुपात में दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए सबसे अधिक जो ईडी करंट लॉस है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो सबसे अधिक परिवर्तित होगी, सबसे अधिक लॉस होगा उसका। तो क्वेश्चन आपको साथियों क्लियर हो गया होगा। ये जो अपना मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप याद रखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, पहली बात तो आपको ये भी पता होना है कि होना चाहिए जो ईडी करंट लॉस होता है इसको कम कैसे करते हैं। ठीक है, तथा इसके लिए क्या किया जाता है। तो जो अपनी कोर होती है ना उसको क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते, ताकि लेमिनेटेड करते तथा पतली जो अपनी कोरों को क्या करते पतली पतली पत्तियों की भांति काट के मतलब स्टेपिंग करके फिट किया जाता है। ठीक है, और तथा बीच में उनमें वार्निश तथा लेमिनेशन किया जाता है ताकि जो अपना ईडी करंट लॉस हो वो कम हो, है ना मतलब लॉसेस कम करते हैं। ठीक है, तथा साथियों इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए हिस्टेरिसिस भी दिया हुआ है। तो हिस्टेरिसिस लॉस भी एक लॉस होता है जो क्या करता है साथियों, ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर हो गया कोर में ये सब लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस जो क्या होता है, बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन की कंडीशन होती है, इस कारण उसमें जो कोर होती है उसमें लॉस होता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो अपना सिलिकॉन स्टील होता है, एक सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिलाते, जो कितनी होती है साथियों, वो होती 3.8 से लेके 4% तक होती है। तथा मैं आपको इसमें एक चीज़ बताया नहीं कि जो लेमिनेशन करते हैं किसकी पत्ती की, तो उसकी मोटाई होती है मतलब थिकनेस, लेमिनेशन मतलब अपने जो जो पत्ती होती है उसकी मोटाई थिकनेस क्या पूछता है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे मन दिया थिकनेस ऑफ थिकनेस का स्क्वायर दिया है, तो जो अपना पत्ती होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है। तो वह होती है साथियों 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड, ये देखिए बी का स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये होता है बी मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसकी इकाई क्या होती है टेस्ला, या फिर इसको बोलते हैं वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हर्ट्ज होती है, तथा जो अपना थिकनेस होगी वो कायम हो जाएगी mm में हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज मोटरों में अधिकतम स्लिप का मान कितना होता है। जो अपनी थ्री फेस मोटर होती है ना उसमें जो स्लिप होती है साथियों कितनी होती है, 2-5% तक होती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, संट के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो संट पहली बात तो लगता कहाँ पे और संट होता कहाँ, ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए। चलिए इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैग्नीन तार का बना हुआ होता है। ठीक है, तो संट साथियों ये क्या करता है, जो अपना अमीटर होता है ना, अमीटर उसके क्या होता है, ये मतलब कि समांतर क्रम में लगता है, जो कि क्या कहलाता है, एक कम प्रतिरोध का तार कहलाता है। ठीक है, कम प्रतिरोध का तार कहलाता है। ठीक है, जो काय का बना होता है, मैग्नीन का बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया साथियों, कॉपर मतलब कि तांबा, तो जो कि यह CuC से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, जिसका गलनांक कितना होता है, गलनांक होता है साथियों 1084 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से आपको सब रटे हुए होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखा आंसर आपके मुँह पर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये बेस्ट कंडक्टर होता है अपना, क्योंकि सब इंडस्ट्रियल वायरिंग जितनी भी होती है घरेलू वायरिंग उन सब में अधिकतर तांबे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा एक अपना जो बेस्ट कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, वह
चांदी होता है, ठीक है। साथियों चांदी का नाम अब मैंने यहाँ ले ही लिया हूँ, तो चलो आपको चांदी के भी बारे में बता देता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं एजी, ठीक है। एजी मतलब होता है सिल्वर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 47 होता है, जिसका गलनांक कितना होता है साथियों 960 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है यूरेका। अब ये यूरेका क्या चीज़ है, यह भी एक क्या है मिश्रित धातु, मिश्रित मतलब अलॉय होती है। इसमें क्या होता है साथियों 60 मतलब क्या करता है यूरेका, क्या करता है ये स्टैंडर्ड प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोधक मतलब कि रजिस्टर बनाने के काम में यूरेका का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये हीरा है, हीरा तो बहुत महंगा साथियों, अभी है नहीं हमारे पास, अभी हमारे पास होता तो हम कहीं और रहते हैं ना, ठीक है। ये क्या होता है कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बोला है कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ में कितने डायोडों की आवश्यकता होती है। तो साथियों देखिए, अब मैं इससे रिलेटेड जो भी बनता है मैं आपको, सिंगल फेज की बात किया है, फुल वेव की बात किया है, तो उसमें जो अपने डायोडों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। सपोज सिंगल फेज ही बोलता है और आपको क्या बोल रहा है हाफ वेव बोलता है, उस कंडीशन में डायोडों की संख्या कितनी होगी 1 होगी ना, ठीक है। अगर साथियों ये तो ठीक है, आपको सिंगल फेस की बात बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आगे, और अगर आपको बोलता है वो कि 3-phase सप्लाई है और फुल वेव है, तो उस कंडीशन में डायोडों की संख्या कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। और 3-phase है, हाफ वेव है, तो उस कंडीशन में जो डायोड होगी वो कितने होंगे 3 होंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से साथियों आपको यह सब चीज़ याद रखना जरूरी है, सिंगल फेस में फुल वेव में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बोला, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है। तो जो प्रदीप्ति है ये इल्यूमिनेशन से, मैं बताया भी इसको आपके पहले कई बार बता चुका हूँ कि इल्यूमिनेशन से 1-2 यूनिट से क्वेश्चन टपकते ही है, एकदम आती है, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 और इकाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाइयाँ दी हुई है, तो उसका भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला आपने प्रदीप्ति का मात्रक क्या, लक्स है, ठीक है। पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। स्टेरेडियन कौन है साथियों, ये सॉलिड एंगल मतलब कि ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। लूमन किसकी इकाई होती है साथियों, ज्योति फ्लक्स की जो इकाई होती है क्या होती है, लूमन होती है। साथियों आपको इल्यूमिनेशन से जितनी भी यूनिट्स आती है ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से अधिकतर यूनिट के क्वेश्चन उठाए, जितने भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर देखना अधिकतर वहीं से यूनिट वाले जो क्वेश्चन होते उठाए गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, किस मान की करंट से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है अपना, कितना आ रहा है 50 मिली एम्पियर से अधिक की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हृदय गति होती है तथा नाड़ियाँ क्या होती है रुकने, नाड़ियाँ सिकुड़ने बढ़ जाती है तो हृदय गति रुक जाती है, जिससे क्या होता है जो अपना मेन आदमी जो है अपना जो है ना उपभोक्ता बोलते हैं जिसको अपन आदमी बोलते हैं या फिर व्यक्ति क्या होता है उसके एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको आंसर इसमें दिखा देता हूँ जो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर, कितना रहा 50 मिली एम्पियर से ऊपर। तो ठीक है साथियों, आज के भी अपने जो 25 क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरे के पूरे क्लियर करा दिया है, जो अपने MCQ थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो मैं डेली डालते रहता हूँ इस चैनल पर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रिलेटेड जो भी बनता साथियों वो भी मैं इसमें डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अपना दिसंबर अपना क्या बोलते हैं नवंबर में DRDO का साथियों हो सकता है 15-20 या 25 के बीच भी इसमें जो अपना डेट दी हुई ना उसमें एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप सब देखिए, आप सबको पता ही होगा तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों, है ना। तो अपना ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।